आपको साइड में स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, मैं आपको एक न्यूज़ पढ़ के सुनाना नहीं चाहता, लेकिन आप समझ लीजिए एक बेसिक ऊपर सी बात कि पुलिस पे पथराव हुआ सिर्फ इसलिए कि पुलिस गई उस रिलीजियस गैदरिंग को रोकने के लिए जो इकट्ठा हुई थी नमाज पढ़ने के लिए। अब रमज़ान का महीना है, मुझे पता है सबके अपने रिलीजियस इशूज होते हैं, फेथ है, सबको निकलना है, प्रे करना जो भी है, लेकिन हिंदुओं ने भी जब अपने घर पे रह के और बाकी रिलीजन के लोगों ने जब घर पे रह के नवरात्रि मना ली और मंदिर नहीं जा रहे, हर तमाम वो चीज़ जितना कंट्रोल कर सकते हैं उससे ज़्यादा करके कोशिश की जा रही है कि घर में रहा जाए, लेकिन आप लोग ऐसा क्यों नहीं मान रहे कि घर में रह के जब सुरक्षा के साथ नमाज़ पढ़ी जा सकती है और हर वो प्रैक्टिस की जा सकती है तो क्या ज़रूरत है बाहर निकलना, पुलिस के ऊपर पत्थर मारना सिर्फ इसलिए कि आपको रोकने आई है। पुलिस ने 15 लोगों को कस्टडी भी लिया, आप देख सकते हैं, और जबकि महाराष्ट्र में मना है, सीएम ने साफ साफ कहा है, लेकिन खैर वहाँ के सीएम वहाँ के गवर्नर की तो अब क्रेडिबिलिटी ना के बराबर है, शायद इसीलिए लोग सिर्फ नहीं ले रहे, और क्योंकि वहाँ पर एनसीपी और कांग्रेस का भी हाथ है, मिलीजुली सरकार है, तो मुसलमान सोचते हैं कि आधे से ज़्यादा रास्ता हमारा ही है। तो ऐसी खिचड़ी सरकार का कितनी क्रेडिबिलिटी, कितनी पावर और उनकी बातों में कितना वजन होता है वो साफ साफ नज़र आ रहा है। उसी महाराष्ट्र में साधुओं की लिंचिंग हो जाती है, उसी महाराष्ट्र में कुछ मुसलमानों की मनमानी चलती है। मैं ये नहीं कह रहा कि रमज़ान के महीने में आप जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन आपका जो करने का तरीका है बाहर निकल के लोगों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के, 40-50 लोग एक जगह कर क्या रहे थे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और उसमें भी पुलिस को अच्छा लगता है कि आप क्या फीलिंग लेके गए हैं नमाज़ पढ़ने और लाठीचार्ज हो, 15 लोगों को अरेस्ट कर लिया जाए, और अगर आपको लगता है कि आपके लिए महीना बहुत पवित्र होता है तो पुलिस पे पत्थर क्यों फेंका। मुझे जहाँ तक पता है अगर मुझे कोई गलत साबित कर दे, पत्थर तो आपके रिलीजन में उस पर फेंकते हैं जो शैतान हो, या पुलिस आपके लिए शैतान है, क्या सरकार शैतान है, क्या हिंदू शैतान है, मतलब पुलिस पत्थर क्यों फेंकते हो, मुझे कोई कमेंट में बता दे कोई मुसलमान देख रहा हो तो, पुलिस पे हमला क्यों हुआ जब पुलिस रोकने गई, तो आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये हरकत हो क्यों रही है, ये कब तक चलेगा। आपके लिए आपका मंथ प्योर है, बहुत अच्छी बात, सब रिस्पेक्ट करते हैं, प्रधानमंत्री ने तक आपको बधाई दी और विश किया वो चीज़ है कि सब ने किया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने खुद का ठेका ले रखा है अपने आपको एक्सपोज करने का, जलील करने का, इस्लाम को बदनाम करने का, और एक ऐसा चेहरा दिखाने का जिससे सबको नफरत हो। आप सोच रहे होंगे इससे मैं यहाँ से कहाँ तक आ गया, तुम ही सोच के देखो कि तुम कहते हो कि ये महीना हमारे लिए पवित्र है, हम अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें स्प्रेड करते हैं, लोगों में पॉजिटिव मैसेज फैलाना चाहते हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि 30-40 लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं बाहर रिलीजियस गैदरिंग कर रहे हैं, और जब पुलिस रोकने आ रही तो उस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, और फिर चाहोगे कि मैसेज बहुत अच्छा जाए तुम्हारी तरफ से, तो अपना ये डबल स्टैंडर्ड बंद करो मेरे भाई। सेलिब्रेट करना है घर में करो, एक बाउंड्री के अंदर करो, खुद को भी बचाओ दूसरों को भी बचाओ। भारत के लिए क्यों हानिकारक बने हो, कोई भी क्यों हानिकारक बने, मैं एक रिलीजियस इशू की बात नहीं कर रहा, कोई भी भारत के लिए रोड पर निकल के हानिकारक क्यों बने। अगर अभी भी बुद्धि आ गई हो, लोग अगर रुक जाएं, अपने आप को बदनाम ना करें, इस महीने में जेल ना जाना चाहते हों और कुछ गलत ना करें अपने हाथ से, तो ज़्यादा अच्छा है। जय हिंद, वंदे मातरम।